तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड को। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड तक के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। पहले देख लेते हैं कि यूनिट नंबर थर्ड में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और काफी कम समय में ज्यादा ज्यादा चीजें बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आइए देखते हैं टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। और बेसिकली ये जो यूनिट है वो पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर ही है। और इससे प्रीवियस जो यूनिट था यानी यूनिट नंबर सेकंड जो था वो आपका ग्रीडी अप्रोच पे था। सेकंड हम लोग यूनिट देखेंगे कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जीरो और नैपसैक प्रॉब्लम को किस तरीके से हमने ग्रीडी अप्रोच के मदद से उसको क्या किया, सॉल्व किया। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका मल्टी स्टेज ग्राफ, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से मल्टी स्टेज ग्राफ को यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिलेबिलिटी डिजाइन, यानी रिलेबिलिटी डिजाइन क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपका हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। आज के वीडियो सीरीज के अंदर फ्रेंड हम जान लेते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि जो अनदर जो टॉपिक है वो भी कवर अप होता चलेगा। आइए देखते हैं फ्रेंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लाइक द डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम। यानी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली एक प्रकार का डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम ही है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उनको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशन को क्या करते हैं कंबाइन करके हमारा जो सॉल्यूशन है फाइनल उसको हम बनाते हैं। ओके, ये आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नेम कॉइन्ड बाय द रिचर्ड बेलमैन इन 1955। यानी 1955 में रिचर्ड बेलमैन ने जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उसके जो नेम है उसको उन्होंने क्या किया, दिया था। अगला आपका प्रोग्राम पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली। यानी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो ऑप्टिमली पे आधारित है, यानी ऑप्टिमली जो प्रिंसिपल होता है उस पे आधारित है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द स्टेप इन अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, यानी कौन कौन से स्टेप इसमें आते हैं। पहला ये होता है कि हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइड एट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल होल्ड, यानी उस प्रिंसिपल को जो क्या करे ऑप्टिमली जो सॉल्यूशन होता है उसको होल्ड करे। सेकंड हम स्टेप में चेक करते हैं सेटअप द डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिगर्सन इक्वेशन, रिकरेंस इक्वेशन। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड आपका कि परफॉर्म अ ट्रेस बैक स्टेप इन विच द सॉल्यूशन इटसेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड। ये हमारे तीन स्टेप होते हैं जो कि बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप चीजों को लिखते चलिए ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होता चले। अगला पॉइंट आपका है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सॉल्व एवरी सब प्रॉब्लम जस्ट वंस एंड देन सेव इट्स आंसर इन अ टेबल। यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एक प्रकार का मतलब एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और उसके जो आंसर होता है उसको एक टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं, एंड देयर बाय अवॉइडिंग द वर्क ऑफ रिकम्प्यूटिंग द आंसर एवरी टाइम द सब प्रॉब्लम इज इनकाउंटर्ड। तो उस कंडीशन में जो सब प्रॉब्लम होगी वो क्या होंगे, इनकाउंटर्ड होंगे। ओके, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है कि द प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्टेजेस विद अ पॉलिसी डिसीजन रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज। यानी पॉलिसी डिसीजन रिक्वायर्ड पे जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। सेकंड हमारा पॉइंट कह रहा है कि ईच स्टेज हैज अ नंबर ऑफ स्टेज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज। यानी प्रत्येक जो स्टेज होगा उसके पास एक नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे और वो क्या होगा, स्टार्टिंग से उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। अगला हमारा है द सॉल्यूशन प्रोसीड, द सॉल्यूशन प्रोसीजर बिगिंस बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमली पॉलिसी फॉर द लास्ट स्टेज। यानी जो लास्ट स्टेज होगा उसके लिए हम ऑप्टिमली जो पॉलिसी होता है उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ पाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यूज किए जाते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।